नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में आज ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने कष्ट निवारण समिति बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान रंजीत सिंह चौटाला ने 8 मामलों की सुनवाई की, जिसमें से 1 मामले का निपटान हुआ। बाकी 7 मामलों को अगली मीटिंग में फिर से सुना जाएगा। मीडिया से बातचीत में ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने बड़ा ऐलान किया। रंजीत सिंह चौटाला ने फरवरी माह में प्रदेश के किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 8200 के करीब किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है, जिनमें से आधे किसानों को फरवरी माह में ट्यूबवेल कनेक्शन बिजली निगम जारी कर देगा। रंजीत सिंह चौटाला ने डार्क जोन को लेकर कमेटी बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान की तर्ज पर हरियाणा में डार्क जोन ट्यूबवेल कनेक्शन देने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, उसको रिपोर्ट के आधार पर कनेक्शन जारी किए जाएंगे। रंजीत सिंह चौटाला ने नागरिक संशोधन बिल पर भी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि यह कानून लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है, वे ही इसके पक्षधर हैं। लोकसभा और राज्यसभा कोई भी कानून पास कर सकते हैं। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की यह विशेष रिपोर्ट। मनदीप सिंह एट दैट टाइम वाज ऑफिशियल इन इंडसइंड बैंक, नाउ ही इज नॉट इन द सिस्टम, वो अब बैंक में नहीं है। जैसे ही वो बैंक से बाहर जाते हैं, वैसे ही हंसराज जी ने ये कंप्लेंट दर्ज की कि मेरे साथ मैंने एफडी के लिए करवानी थी, लेकिन एफडी नहीं की गई बैंक वालों ने पॉलिसी कर दी मेरी। सर 2017 में तो वहीं पे थे जिन्होंने पॉलिसी की, और गोविंद जी भी वहीं पे थे। इनका लगातार आना जाना है सर। पहली मीटिंग थी, थोड़ी चीजें एजेंडे पे थी, हमने सब कुछ और काफी जो सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था सेटिस्फैक्ट्री, सब लोगों का केस डील करने का सब हमारा मामला ठीक लगा। इसमें 8 केस थे जिनमें 1 का निपटारा हुआ, बाकी 7 जो थे उनमें कुछ लोग आए नहीं थे, इस करके वो पेंडिंग हो गई। ये लोग उसमें कैसे प्रायोरिटी क्या आपने तय की है, किस तरह से एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, कुछ बोर्ड द्वारा बनाए गए नियम है, उसी के तहत होता है। जैसे ट्यूबवेल का कनेक्शन है, फर्स्ट कम सर्व बेसिस वाला है, तो सारी चीज़ें उसी हिसाब से करी जा रही है। मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट, जिसने फर्स्ट एप्लीकेशन दी है उसी हिसाब से नंबर आएगा, उसी हिसाब से ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। डार्क जोन में है उनका क्या सोचा है? देखिए, डार्क जोन में ऐसा है, अभी पिछली बार मीटिंग में हमारा हुआ, मैंने भी सीएम साहब से निवेदन किया। राजस्थान के अंदर उन्होंने एक कमेटी बना दी स्टेट लेवल की, उसने सारा एरिया विजिट करके ये देखा कि भाई कहाँ पानी गहरा है, जहाँ 1500 फुट पानी गहरा है, जैसे महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, वहाँ इतना गहरा पानी है, वहाँ अगर आप ट्यूबवेल चलाएंगे तो सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा, पानी रहेगा नहीं, पीने के लिए नहीं मिलेगा। अब भी लोगों को टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है। अब वहाँ सतारा में देखते हैं, महाराष्ट्र में भी ऐसा मामला आ जाता है, तो उसके लिए ये कराए कि जाके देखे, जहाँ 200 फुट पर पानी, 150 फुट पर पानी है, वहाँ डार्क जोन नहीं रखा जाए। इसके लिए अभी हरियाणा में भी राजस्थान की तरह एक कमेटी बनाएंगे, वो विजिट करेगी, उसके बाद डिसाइड करेंगे विलेज यूनिट माना जाए, कैसा माना जाए। और जो लोग उन पे प्रतिबंध रहे, मैक्सिमम लोगों को रिलीफ मिले, ये गवर्नमेंट का ध्येय है, उसी में हम करके करेंगे, वही हमारे पैरामीटर्स है। सीएए का विरोध हो रहा है लगातार जी, सीएए का लगातार विरोध हो रहा है, क्या टिप्पणी करना चाहिए? किस चीज का विरोध? नागरिक संशोधन कानून जो पास हुआ है सर। देखिए, हाउस जो है वो पूरे देश के इलेक्टेड है, लोकसभा राज्यसभा, हाउस कॉम्पिटेंट है कोई भी कानून बनना। आर्टिकल 370 का भी उन्होंने कर दिया, ये तो जान डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा कंट्री है, वहाँ हर चीज पे प्लस माइनस तो ये बातें तो होंगी, ये तो एक नेचुरल चीज है, होंगी। आप सपोर्ट करते हैं क्या? देखिए, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ, जो इलेक्टेड पार्लियामेंट कुछ भी कर सकते हैं, हर देश में ये काम होता है। ट्यूबवेल कनेक्शन जो है वो हम जल्दी देंगे, जितने लोग हैं मेरे ख्याल में काफी कनेक्शन है वो दे देंगे हम फरवरी तक, काफी कनेक्शन जो पेंडिंग वाले, इसी फरवरी में जो पेंडिंग है, जिन 8200 लोगों ने पैसा जमा करा रखे, जिन्होंने सिक्योरिटी जमा करा रखी है, मोटर के पैसे जमा कर रखे हैं, उनमें से हम मोर देन 50% को फरवरी तक रिलीज कर देंगे। आपने चेतावनी दी थी कि जो तारे ढीली हैं विभिन्न जो इलाकों में, उसको 15 दिन में पूरा किया जाए, उसके बाद फिर आपने 15 दिन और दिए थे, तो कब कहाँ तक ये काम जो पहुंच पाया? मैं एक सवाल पूछूं आपसे, मैं आपको एक गांव के दिन देता हूँ, आप सारे मीडिया वाले चले जाओ, लेबर भी देता हूँ, नहीं कर सकते, काम आसान नहीं है। आप एक खंभा उठाओगे, दूसरा सीधा करोगे, तारे बांधेंगे, फिर लोग कहेंगे कि हमारी बिजली बंद कर दी, 50 चीजें इतना की मैंने ऑफिसर से पूछा, सत्संग की मीटिंग थी पहली हमारी, मैं गया था, फर्स्ट विजिट था मेरा, तो सारे ऑफिसर से
मैं कहने लगा मुझे ये बताओ, शहर में एक घटना हो गई थी, दो बच्चे मर गए थे पानी में लगे तारे, इसी बरसात के रेनी सीजन का टाइम था। मैं कहने लगा ये तारे रूझाई ने ठीक करोगे कितने दिन लगेंगे, हफ्ते में करोगे? शहर का एक सरसा शहर का मामला था। वो कहने लगे जी हफ्ता नहीं, हमें एक हफ्ता और दे दो, 15 दिन दे दो। मैंने ऑफिसर के कहने से सरसा में तो काफ़ी कर दिया वो, पर वो जब मीडिया आजकल है सब जगह वो ऐसा बना दिया, मुझे भी पूरे हरियाणा के नक्शे पे आपने खड़ा कर दिया। मैं क्या कहूँ, आप लोगों की मेहरबानी है कि मुझे पूरे हरियाणा में इसको आपने प्रचारित कर दिया, चल गया। फिर उसके बाद मुझे भी प्रेस आपसे कहने लग रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा।